बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है, ये बात जो कही गई वो इसीलिए कही गई, भक्तों का चरित्र पढ़े बिना भक्ति में विश्वास नहीं आता है और बिना विश्वास के भक्ति नहीं है। इस रास्ते पर चलने की सीढ़ी केवल विश्वास है। सत्संग में जाने से केवल एक विश्वास पैदा होता है, जो विश्वास अकेले साधन करने में नहीं होता है, घर बैठे नहीं होता है। बिना विश्वास के इस रास्ते पे चल नहीं सकता कोई आदमी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक बात कहा था, बड़ी बहुत सुंदर बात, वी वॉक बाई फेथ नॉट बाई आईज। इस रास्ते पर हम इन मोटी आंखों से नहीं चल सकते जो संसार को देखती हैं। उस रास्ते पे चलने के लिए विश्वास की आंखें चाहिए। वो विश्वास भक्तों के चरित्र से, भक्तों के संग से, भक्तों के पास बैठने से मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। इसीलिए कहा गया बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है, बहुत दूर है, भक्ति नहीं आएगी। अति दूर बहुत दूर माने करीब करीब असंभव है, करीब करीब भी नहीं बल्कि पूरा संभव लिखा है एक जगह तो गोसाई जी ने। वो लिखते हैं, जिसको भी आज तक कहीं कुछ अच्छी गति मिली है, अच्छी बुद्धि मिली है, यश मिला है, कीर्ति मिली है, धन मिला है, वो केवल सत्संग से मिला है। नहीं वो धन भी नरक को ले जाता है, का मनुष्य दुरुपयोग करता है, और वो धन हमारी मौत है। बिना सत्संग के जो धन है वो मृत्यु है, चाहे वो साधु है, विरक्त है, आचार्य है, उस धन को वो इस स्थूल शरीर और आसक्ति में ही लगाता है, जिससे उसकी कोई गति नहीं होती है और मरने के बाद दुर्गति होती है। जो कुछ मिलता है सत्संग से, गति मति कीरति भूति भलाई, गति भूति माने संपत्ति, संपत्ति वो जो भगवान की ओर ले जाए। जब जेहि जतन जहां जो पाई, भूति माने धन भी मिला है सत्संग से। सो जान अब सत्संग प्रभाव लो पहुबे नया। अच्छी गति, अच्छी बुद्धि, कीर्ति, धन, कृपा करो राधा रानी, कृपा करो।